आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रयागराज सहित प्रदेश के अन्य जिलों में हुई हिंसा पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कानून कर रहा है अपना काम, सभी लोग बनाए रखें शांति। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में 12% घटी गरीबी दर, देश की राजनीति की संस्कृति बदल दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारत अब मांगने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया को देने वाला बन चुका है देश। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना, कहा आप लोगों को रोकते रहे पर चुपके से लगवा ली वैक्सीन। दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को अपने गृह जनपद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर क्षेत्र के भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फीता काट कर किया उद्घाटन, कार्यालय का लिया जायजा, कहा कार्यालय का सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाने में विशेष होगा योगदान। डबल इंजन की सरकार ने खड़ा किया लाभार्थियों का व्यापक समूह, रानीडीहा खोराबार में गरीब कल्याण मेला में सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बिना भेदभाव हर एक तबके को मिल रहा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। कड़ी सुरक्षा के बीच जनपद में साकुशल संपन्न हुई जुमे की नमाज, सभी मस्जिदों पर पुलिस रही अलर्ट। एसपी सिटी ने नमाज साकुशल संपन्न होने पर मुस्लिम धर्मगुरुओं और पीस कमेटी के सदस्यों को दिया धन्यवाद। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, प्रतिभूमि विकास, लघु सिंचाई, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ किया समीक्षा बैठक, सभी बाढ़ कार्यों को 10 जून तक पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद संगीता यादव ने कहा है जनता की समस्याओं को सदन में उठाना ही होगा उनकी पहली प्राथमिकता, प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफिया और अपराधियों के लिए बन जाते हैं बुलडोजर बाबा, वहीं बच्चों के लिए उनकी छवि है टॉफी चॉकलेट वाले बाबा की, सीएम योगी के एक ही व्यक्तित्व में है गर्म और नरम पहलू। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव पर आयकर विभाग ने साइक्लोथान कार्यक्रम का किया आयोजन, अपर आयकर आयुक्त एपी मणि ने कहा पर्यावरण और ईंधन को बचाने और अच्छी सेहत के लिए साइकिल चलाना है लाभदायक। डेफ ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट आदित्या को मिला सीएम योगी के हाथों सम्मान, रैकेट व अंगवस्त्र प्रदान कर सीएम योगी ने कहा पूरे देश का मान बढ़ाया आदित्या ने, अपने खेल पर ध्यान देती रहे आदित्या, सरकार है उनके साथ।